नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर नगर के समीप ग्राम स्याओ स्थित झारखंड शिव मंदिर पर श्रावण मास में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, जहाँ देर शाम स्याओ निवासी राय बहादुर के पुत्र हर्षित मंदिर से पूजा कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक माता गुलदार मिल गयी। गुलदार को देखकर हर्षित के होश उड़ गए। हर्षित को समझ पाता वह गुलदार से बचने के लिए अपनी बाइक को वापस घुमाने लगा, तभी उसकी बाइक फिसल गई और तेज आवाज से मादा गुलदार पीछे हट गई और भाग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम स्याओ के निकट ग्राम शेखुपुरा के जंगल में मादा गुलदार ने दो शावकों को जन्म दिया है, जिसको ग्रामीणों ने जंगल में देखा है। इसी वजह से मादा गुलदार आसपास के क्षेत्र में घूम रही है। हर्षित के परिजनों ने घटना में मौत के मुंह से निकलकर आने पर भगवान शिव की कृपा बताई है। हर्षित बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया, मैं झारखंडी शिव मंदिर से वापसी आ रहा था। वापसी आते हुए कदम का पेड़ है, कदम के पेड़ से थोड़ा सा आगे मुझे गुलदार मिला, वो सीधा जाता, उसे देख के मैं नीचे स्याओ में एक रोड जा रही है, मैं उस रोड पर हो गया। जैसे ही रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, गुलदार मेरे पीछे पीछे था। जैसे मैं बाइक थोड़ी स्पीड तेज चली, गुलदार फिर भी मेरे पीछे था। आगे जाके एक मंदिर को ही कच्चा रास्ता जा रहा है, कच्चे रास्ते पर जैसे मैं हुआ, वहाँ आगे कीचड़ थी और बाइक स्लिप हो गई, बाइक स्लिप होकर मैं गिर गया। तो वो हल्का हमला, मुझे थोड़ा हमला करा, वो सीधा निकल गया फिर। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।